अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मोबाइल की तीन बेहतरीन स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप के बारे में, जहाँ से आप आसानी से अपनी वीडियो के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और लाइव भी जा सकते हैं। और मैं इस वीडियो में तमाम फ्यूचर भी बताऊँगा इन स्क्रीन रिकॉर्डर के। मेरा नाम है मोहम्मद फरहान। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको तीन बेस्ट मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर बताने जा रहा। नंबर वन पर आती है एक्स रिकॉर्डर। प्ले स्टोर में आ जाएंगे, यहाँ पर सर्च करना है एक्स रिकॉर्डर। यहाँ पर मैंने इसे इंस्टॉल कर रखा है, मैं इसे ओपन कर देता हूँ, मैं इसे अलाउ कर देता हूँ। यहाँ सबसे एंड पे आ जाएंगे, यहाँ पर आना है, इसे अलाउ कर देना है, फिर बैक आ जाएंगे, नेक्स्ट, ओके, अलाउ मांग रहा है, यहाँ पर ये लोड हो जाएगा। ये देखें, मैं ज़्यादातर वीडियो इसी में रिकॉर्ड करता हूँ। यहाँ पर आपको वीडियो कैमरा, हाईलाइट और सेटिंग, यहाँ पर आप अपने सेटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, इंटरनल साउंड, माइक्रोफोन, इंटरनल और इंटरनल माइक्रोफोन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, वीडियो रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हैं, सेव लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस मोड मिल जाएंगे, नॉर्मल और परफॉर्मेंस हाई वाले भी मिल जाएंगे। और नीचे आएंगे कैमरा, स्क्रीनशॉट, ब्रश वगैरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आपने कोई फाइल डिलीट कर दी है, गलती से हो गई है, इसमें आ जाऊंगा दोबारा फिर से। यहाँ पर आपने जो का फाइल डिलीट की होगी यहाँ पर शो होगी। ये देखें, इसका साइड में आइकन आ जाएगा, आप इसे प्ले करेंगे तो आपको पेंसिल का निशान मिल जाएगा देखने को। नंबर दो पर स्क्रीन रिकॉर्डर जो आता है उसका नाम है A2Z स्क्रीन रिकॉर्डर। मैं यहाँ प्ले स्टोर पर दोबारा जाऊंगा, यहाँ पर सर्च कर लेना है A2Z स्क्रीन रिकॉर्डर। मैंने सर्च कर लिया है, इसे ओपन कर दूंगा, मैंने इसे इंस्टॉल कर रखा है, आप भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर इसका आइकन आ चुका है, मैं दोबारा इसे ओपन कर दूंगा। यहाँ पर भी आपने अलाउ ही करना है, पहली बार अलाउ मांगेगा। यहाँ पर आप फुल HD तक के वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर बिट रेट सेलेक्ट कर सकते हैं, फ्रेम रेट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप माइक्रोफोन, इंटरनल साउंड सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टोरेज की ड्रेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, इंटरनल SD कार्ड, यहाँ पर हाइड रिकॉर्डर, स्क्रीन रिकॉर्डर, कैमरा, ब्रश वगैरह के इसमें ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको इसमें भी काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं। और इसके अलावा इसमें एक बेहतरीन ऑप्शन भी है, वाईफाई ट्रांसफ़र। आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं वाईफाई के ज़रिए। जो नंबर तीन पर ऐप आती है उसका नाम है विडम स्क्रीन रिकॉर्डर। मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ विडम स्क्रीन रिकॉर्डर। यहाँ तीसरे नंबर वाली ऐप है ये वाली, यहाँ पर आपने देखने लेना, ये वाला लोगो वाली ऐप इंस्टॉल करनी है, ये ऑफिशियल है, मैं इसे ओपन कर दूंगा। यहाँ पर कंटिन्यू करना है, अलाउ करना है, थोड़ा सा टाइम लगाएगा लोड होने में। यहाँ नीचे आ जाऊंगा, यहाँ पर क्लिक करना है, इसे भी अलाउ कर देना है, फिर अलाउ करना है, अलाउ करना है, गो इट। यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ब्रश, कैमरा, आप जब इसमें स्क्रीन और कैमरा एक साथ यूज़ कर सकते हैं वो वाला ऑप्शन है। यहाँ पर माइक का वॉइस वाला, इसे म्यूट भी कर सकते हैं, फ़ोटो वाला ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ऑडियो सेटिंग है, यहाँ पर आपकी ऑडियो, इंटरनल ऑडियो एंड माइक्रोफोन, यहाँ पर पहले बार माइक हो, यहाँ पर म्यूट वाला ऑप्शन, तीन चार ऑप्शन मिल जाएंगे। फ्रेम रेट है, वीडियो की क्वालिटी यहाँ से सेलेक्ट करनी है,
इस पे फ्लोटिंग विंडो वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा। शेक स्टॉप रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन आप ऑन कर सकते हैं, आप इसकी सेटिंग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इन तीनों ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप कमेंट में बताएंगे कौन सी आप कमेंट में बता दीजिएगा आपको कौन सी स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ कर रहे हैं और कौन सा पसंद आया है। आज की वीडियो यहाँ तक की थी, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।